व्यापारी तस्ते खाने को कहने की फांसी लगा ले अपनी दुकान के आगे। और ये पलटन बाजार की हालत है, शर्म नहीं आती इन लोगों को? दादागिरी, गुंडागर्दी, बदमाशी। कहाँ है मुख्यमंत्री और कहाँ है स्मार्ट सिटी का सीईओ बैठा हुआ है? हमारे बच्चों को भी फांसी दे दे, हमें भी फांसी दे दे, सरकार निपटाए काम। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ सुकैना जैदी। मैं इस वक्त देहरादून के पल्टन मार्केट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं आज का नज़ारा जो उस मार्केट का है पूरा अलग है। एक तरीके से देखने से ऐसा लग रहा है जैसे तबाही सी आ गई है। आपको बता दें कि ये अतिक्रमण अभियान के तहत दुकानों के जो फ्रंट हिस्सा है उसको तोड़ा जा रहा है और ये पूरा आखिर से लेके एंड तक पूरी दुकानें तोड़ दी गई हैं। जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको बताया गया था इस बारे में पहले से ही और क्या कुछ कहना है। जी, आपका नाम? मेरा नाम हसन जैदी, राजा गारमेंट पल्टन बाज़ार से बात कर रहा हूँ। आज जो शासन प्रशासन की कार्रवाई है ये बिल्कुल सरासर तौर पर गलत कार्रवाई है। वजह यह है कि अभी जितने भी दुकानदार हैं, जितना भी मार्केट है, कोरोना की वजह से 6 महीने से सब दुकानदार बेइंतहा परेशान थे। अब थोड़ी सी लोगों को उम्मीद हुई थी कि नवरात्रों से, त्योहारों से, आगे दिवाली आ रही है, दशहरा आ रही है, तो हम लोग काम के लिए तैयारी कर रहे थे। परंतु शासन प्रशासन ने आज ज़बरदस्ती जिस प्रकार से कार्य किया है, ये कार्य बिल्कुल निंदनीय है। एक तो इंसान कोरोना से मरा हुआ, दूसरा जो है जिस हालात के अंदर आज इन्होंने तोड़फोड़ करी है, ना तो लेबर मिलेगी, ना काम होगा। ये काम ना दशहरा ना दिवाली, ये पूरे महीने के लिए काम बर्बाद कर रहा है। लोगों को बर्बाद करने के लिए शासन चाहता है। शासन आज प्रशासन जो है वो स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को, दुकानदारों को परेशान करने के ऊपर तुला हुआ है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। जो पैसा आज प्रशासन स्मार्ट सिटी के नाम पर दे रहा है वो पैसा दुकानदारों को देना चाहिए था, ताकि वो जो है कुछ डेवलप कर लेते, अपने को स्टैंड कर लेते। परंतु गवर्नमेंट ने उनके साथ धोखाधड़ी करी है और इसके लिए हमारा शासन प्रशासन पूरी तौर से जिम्मेदार है। गौरव जी, आपकी दुकान कौन सी है यहाँ पे? जी 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 जी, चीजें जो आप हुई है ये कोरोना के टाइम में करना चाहिए था, क्योंकि बंद था 6 महीने तक बाजार, लेकिन अब दिवाली है, होली है, ये है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, ऐसे तैयारी सभी लोग व्यापारी कर रहे हैं, बहुत टाइम से परेशान है, कोरोना की वजह से काम नहीं है मार्केट में और ज़्यादातर मतलब दुखी है कि काम नहीं है। अब क्या कर सकते हैं कि ऐसी अचानक से कार्यवाही हो गई है? पहले से नहीं बताया गया था, वेयर नहीं कह रहे? पहले से तो 2 दिन पहले बताया, 24 घंटे का टाइम दिया और आज एकदम लाके कार्रवाई कर दी गई अचानक से ना। तो अब कहते हैं कि तोड़िए, नहीं तो हम तोड़ेंगे फिर उसको ना। और काफ़ी बाजार टूट चुका है काफ़ी ना, और सारा बाजार डिस्टर्ब है। इस समय शासन प्रशासन ने दुकानदारों से कहा कि पल्टन बाजार से अतिक्रमण हटेगा, तो पल्टन बाजार का प्रतिनिधिमंडल आपका मेयर के पास भी गए, आपके जो है हमारे विधायक के पास भी गए, मुख्यमंत्री के पास भी गए और चाहते ये थे कि ये समय जो है आप अतिक्रमण ना हटाएं, बल्कि ये दशहरा और दिवाली तक जो है इस काम को रोका जाए और उसके बाद जो है अब जो कार्रवाई अगली करनी है वो करें। परंतु शासन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। आज ना तो विधायक फ़ोन उठाने को तैयार है, ना मेयर फ़ोन उठाने के लिए तैयार है, ना कोई बीजेपी का नेता इस समय बाजार के अंदर आता और चाहता तो इस काम को रुकवा लेता, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी जो है वो नहीं आने को तैयार है और व्यापारी बेचारा परेशान है, वो अपने लिए अपना आप लड़ रहा है। शॉप है, मैं बिल्कुल खोल रहा था इसको, इन्होंने बिल्कुल नजायज़ किया है, सबका पीछे छोड़ दिया है, मेरा तोड़ा इन्होंने। और इन ये जो राम मार्केट है, इन लोगों ने सड़कों पे कब्जा कर रखा है, पूरी ये जो गली है इस पे पूरा कब्जा कर रखा है इन लोगों ने, और ये बिल्कुल वो करते हैं चलने की जगह पे कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। सरकार छोड़ देती है इनको, लेकिन उनका तो कह रहे हैं जितना सरकार की तरफ से मार्क किया गया है। मैम ये मेरी बात सुनिए, मेरा तो चला था बक्सा था जो तोड़ गए, वो ये पड़ा हुआ है नीचे सामान, मैं तो खोल रहा था। तो आपका अंडरलाइन आके आ रहा है, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं? ये भी, ये कौन सा बाहर है, ये भी तो अंडरलाइन है। ये सरकार ने तोड़ा या दो कहने पे तोड़ा गया है? सरकार ने ये अभी तोड़ा उन्होंने हमारे कहने पे, हमने कहा उनको। मैम उनसे पीछे था मेरा, जब तोड़ गए वो मेरा, मेरा इससे पीछे था, वो मेरा कैसे तोड़ सकते हैं? हमारा सारा वीरान कर दिया उन्होंने। मैम मेरा पीछे था, उनसे पीछे है मेरा, जब तोड़ गए वो। भरपाई क्या होगा, कैसे करा जाएगा, क्या करेगा सरकार? सरकार को होश ही नहीं है, सरकार को होश ही नहीं है। काम वैसे भी हो रखा है, वैसे ही व्यापारी त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है, खाने को कहने की फांसी लगा ले अपनी दुकान के आगे, फांसी का फंदा लटका दे और फांसी दे दे हमको सबको। पहले नीचा करना चाहिए, ऊपर कर दे, पहले नीचे तो हो नहीं रहा, ऊपर तोड़ के चल दिया। पहले नीचे का होना चाहिए था, नीचे की सारी सड़क खराब हो रखी है, कुछ भी सोच समझ के नहीं हो रहा, बस तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है। सब
दादागिरी, गुंडागर्दी, बदमाशी। एक दिन पहले वार्निंग देते हैं, खाते प्रसाद खुलने को तैयार नहीं है। एक दिन पहले वार्निंग देते हैं, दूसरे दिन आगे हमारी दुकान खोलने से पहले तोड़ देते हैं। क्या है ये? ये तो अंधेर नगरी है। पहले बताया था, किसने बताया, किसको बताया? कुछ नहीं बताया हमको, कुछ नहीं बताया गया। आज ही आए, आज ही बताया गया। अरे हम खोल रहे हैं, हम खोल रहे थे, हमने उनको कहा बैठे, हम अपना सामान लेके लाइट बंद कर दी, हमने कटिंग होगी। आप हमें बताइए, हम अपना सामान लेके कहाँ बैठे हैं, कहाँ करें हम अपना रोजगार? नहीं, बच्चों को, हमारे बच्चों को भी फांसी दे दें, हमें भी फांसी दे दें, सरकार निपटाएगा हमको। हमारा कितना नुकसान हो, हमारे चोटें लग रही, हम क्या करें? हमारी दुकान खोलने से पहले हमारी दुकान उजाड़ी गई है। सरकार फांसी दे दे लोगों को, और क्या करे, जब यही करेगी सरकार। हमें बताइए, हमारे इसका क्या, कौन देगा हजाना? सारी बिल्डिंग हिला दी हमारी। आप इधर कैमरा मारिए, देखिए आप इधर कैमरा मारिए एक बार, ये पूरी बिल्डिंग दिखाइए हमारी, इनको सारी बिल्डिंग तोड़ दी हमारी। इसका भरपार कौन करेगी? सरकार करेगी, हमारा कौन करेगा इसका? हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं हम? सबसे बड़ी बात ये है, ये पल्टन बाजार को टारगेट क्यों किया जाता है हमेशा? आप धर्मपुर साइड जाइएगा, उधर की तरफ इतना अतिक्रमण है, अगर कोई उसके नीचे दबके मर जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल था उस चीज़ के लिए? यही कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि जेसीबी आपने लिया और गधे घोड़ों की तरह चलते चले जाओ, उसको बिल्डिंग को आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर कितना पुराना है। एक साल हो गया है, 26 जनवरी को मेयर ने, 26 जनवरी को मेयर ने उद्घाटन किया था स्मार्ट सिटी के लिए, और आज मेरे ख्याल से जो पल्टन बाजार को नरक बना रखा है ना, शायद मेरे ख्याल से एक अपवाद है देहरादून राजधानी, और ये पल्टन बाजार की हालत है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? कहाँ है मुख्यमंत्री और कहाँ स्मार्ट सिटी का सीईओ बैठा हुआ है? जस्ट ए मिनट, ये जो तोड़फोड़ है, एक साल पहले भी हाई कोर्ट के आदेश आए थे, ठीक। आज जब इनके सिर से पानी गुजर गया, क्या ये लॉकडाउन पीरियड में नहीं इसको अप्लीकेबल कर सकते थे? एक मिनट, क्या लॉकडाउन पीरियड में इसको नहीं कर सकते थे? आज जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया, मुख्य सचिव को तलब किया, तो आपकी नींद टूट रही है? आज 8 महीने से व्यापारी बेचारे यहाँ पे, और कोरोना काल की वजह से व्यापार खत्म था, आज व्यापार का समय आया तो आपने ये ड्रामा शुरू कर दिया। इतने सारे लोग परेशान है, इतने सारे लोगों का परिवार अब कैसे चलेगा, कौन जिम्मेदार हुआ? कहाँ है मुख्यमंत्री बैठा हुआ है? नहीं, कहाँ है मुख्यमंत्री बैठा हुआ है? जो लोगों ने गलियों में कब्जा कर रखा है, बोलती नहीं शासन प्रशासन, एक मेन बाजार तोड़ देते हैं, पल्टन बाजार है, मोती बाजार है, सारे बाजार में अतिक्रमण हो रहा है, क्या पल्टन बाजार से दुश्मनी है, या जातिवाद फैला रखा है यहाँ पे? जितनी मार्केट है, एक मिनट, या जातिवाद फैला रखा है कि यहाँ पे बनियों की दुकानें तो इनको तोड़ना है, नॉन बनियों की दुकानों के साथ व्यवहार करना है, कौन सा तरीका है ये? आज जब मुख्य सचिव को तलब कर लिया, तो मुख्य सचिव की नींद टूट गई ओम प्रकाश की, कि चलाओ बुलडोजर। कहाँ थे ये लोग? नरेंद्र मोदी ने 2014 में खत्म करती थी, स्वप्न दिखा के सबज बाग दिखाए थे ना भाइयों बहनों, 15 लाख आएंगे। अब जिसने 15 रुपये नहीं देखे, उसने 15 लाख के ख्वाब में उसको वोट दिया। आखिर पब्लिक को आप कितना बेवकूफ़ बनाएंगे? एक बार बनाएंगे, दो बनाएंगे, तीन बनाएंगे। आज चुनाव हो जाए, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, औकात पता चल जाएगी इन्हें। आम आदमी बैंकों में कर्जों में डूबा व्यापारी, आज जो स्थिति कर दी है, पहले वो अपनी दुकान को डेकोरेट करेगा, काम का समय आ गया है, काम खत्म हो गया, कहाँ जाएगा वो? आत्महत्या करे वो? लेबर की तनख्वाह कहाँ से देगा? अब अल्टी देखिए, मैं आज इस मंच के माध्यम से बड़ा क्लियर आपको कहना चाह रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है कि व्यापारी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमने पल्टन मार्केट में व्यापारियों से बात करी, और व्यापारी जितने भी हैं यहाँ से लेकर आखिर बाजार तक, सब बेहद नाराज प्रशासन से दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कह रहे हैं कि हम आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। तो ये तस्वीरें कुछ इस तरीके थी, पल्टन मार्केट पूरी तरीके से खंडर में तब्दील होता हुआ इस टाइम दिख रहा है, कहा जा रहा है प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है, हमें पहले बताना चाहिए था। दूसरी चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया, जब पता था लोग आएंगे, भीड़ जमेगी, उनकी दुकानें गिरेंगी, उसका कोई पालन नहीं है, बिना बताए सुबह ही सुबह दुकानें गिरानी शुरू कर दी गई। देखते रहिए जय भारत टीवी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।